गुजरे जमाने के दिग्गज अभिनेताओं में से एक राजकुमार साहब की बात करें तो इनकी कुछ अलग ही शख्सियत हुआ करती थी। पूरे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इनके स्टारडम की ही चर्चाएं की जाती थी, क्योंकि फिल्मों में इनका एक आध डायलॉग ही फिल्म को हिट कराने के लिए काफी हुआ करता था और इन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक अलग ही रुतबा हासिल करके रखा हुआ था। लेकिन यहाँ राजकुमार साहब अपने बड़बोलेपन के लिए काफी ज्यादा बदनाम थे। वो कई सारे अभिनेताओं की उनके मुंह पर ही बेइज्जती कर दिया करते थे और इसकी वजह से उन्हें कई बार आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके राजकुमार साहब अपनी इन्हीं बुरी आदतों के चलते काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहते थे। लेकिन यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि राजकुमार साहब का अपने साथी कलाकारों के साथ कुछ अलग ही रवैया रहता था और कई सारे कलाकारों को वो फूटी आंखों नहीं भाते थे। और उन्हीं कलाकारों की तरफ डालें तो एक बार नाना पाटकर को उन्होंने जाहिल तक कह दिया था। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नाना पाटकर भी अपने जमाने के दिग्गज कलाकार रह चुके हैं और आज मौजूदा दौर में भी वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन देशभक्ति से लबरेज फिल्म तिरंगा की शूटिंग के दौरान राजकुमार साहब और नाना पाटकर के बीच में कुछ ऐसा हो गया था जिसके चलते राजकुमार साहब ने नाना पाटकर को जाहिल तक समझ लिया था। साल 1993 में आई फिल्म तिरंगा की बात करें तो फिल्म के निर्देशक थे मेहुल कुमार और फिल्म के लीड हीरो थे राजकुमार साहब, नाना पाटकर, हरीश कुमार, ममता कुलकर्णी, वर्षा उसगांवकर, दीपक शिर्के और मनोहर सिंह जैसे कलाकार भी नजर आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि देशभक्ति से लबरेज ये फिल्म उस जमाने की एक बड़ी हिट साबित हुई। साथ ही फिल्म की कहानी को भी जमकर पसंद किया गया। लेकिन इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी रहा है और एक बार राजकुमार साहब ने नाना पाटकर को जाहिल तक समझ लिया था। नाना पाटकर राजकुमार साहब की बात करें तो दोनों ही कलाकार मनमोजी थे और अपनी शर्तों पर काम करना भी पसंद करते थे। फिल्म में अपने अभिनय से प्रभावित करने वाले दोनों कलाकार सेट पर एक दूसरे से ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे। शॉट ओके होने के बाद दोनों अलग अलग बैठ जाया करते थे। ऐसे में फिल्म मेकर मेहुल कुमार ने अपनी फिल्म तिरंगा के लिए इन दोनों कलाकारों का चयन किया था। 1993 में आई ये एक्शन ड्रामा में राजकुमार साहब ने ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह का किरदार निभाया था, तो वहीं दूसरी ओर नाना पाटकर ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले का किरदार निभाया था। निर्माता निर्देशक मेहुल कुमार के लिए दोनों दिग्गज और मूडी कलाकारों के साथ काम करना इतना भी आसान नहीं था। हालांकि मेहुल कुमार पहले भी कई फिल्मों में राजकुमार साहब के साथ काम कर चुके थे, इसलिए उन्होंने राजकुमार साहब के स्वभाव का अंदाजा भी था। जब तिरंगा की प्लानिंग हो रही थी तो मेहुल कुमार के जहन में सबसे पहले राजकुमार साहब का ही नाम था। वहीं दूसरी ओर जब नाना पाटकर का नाम फिल्म के लिए सामने आया तो मेहुल को लग रहा था कि दोनों को साथ लेना इतना भी आसान नहीं होगा। खबरों के अनुसार बताया जाता है कि जब मेहुल कुमार ने राजकुमार साहब को बताया कि फिल्म में नाना भी होंगे तो उनका कहना था, सुना है वह जाहिल है। हालांकि नाना पाटकर ने भी राजकुमार साहब के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। राजकुमार साहब सीधे बोलने वालों में विश्वास करते थे, वो अक्सर साथी कलाकारों को कुछ भी कह दिया करते थे। ऐसे में नाना पाटकर ने फिल्ममेकर मेहुल कुमार को साफ तौर पर कह दिया था कि यदि राजकुमार ने उन्हें काम में कोई दखल अंदाजी की तो वो फिल्म को बीच में ही छोड़ देंगे। खबरों की माने तो दोनों ही कलाकार सीन होने के बाद सेट पर आपस में बातचीत नहीं करते थे और वो दूर दूर बैठ जाया करते थे। ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि दोनों कलाकारों को साथ मिलाना मेहुल कुमार के लिए इतना भी आसान नहीं था। लेकिन जैसे तैसे करके फिल्म की शूटिंग खत्म हुई और बाद में 1993 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म ने अपने सफलता के झंडे गाड़े। साथ ही राजकुमार साहब और नाना पाटकर की ऑन स्क्रीन जोड़ी भी काफी ज्यादा पसंद की गई।